जो एक साथ पढ़ने सेक्शन है, जैसे थ्री और फोर का एक कॉम्बाइन आप कॉम्बो बनाना है, फिर आपका नेक्स्ट फाइव एंड सिक्स को साथ पढ़ना है, सेवन एंड एट को पढ़ना है, नाइन एंड टेन को पढ़ना है, इलेवन एंड ट्वेल्व को पढ़ना है। रीज़न क्या कि एक साइड आपके सारे ऑफेंसेस की बात करता है कि जैसे पेनेट्रेटिव सेक्शुअल असोल्ट क्या होगा, एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्शुअल असोल्ट क्या चीज़ होती है, सेक्शुअल असोल्ट क्या होगा, एग्रेवेटेड सेक्शुअल असोल्ट क्या होगा, सेक्शुअल हेरेसमेंट क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी सेक्शंस 3, 5, 7, 9, 11 में बता रखी है, और इनकी सबकी पनिशमेंट नेक्स्ट सेक्शन जैसे 4, 6, 8, 10 और 12 के अंदर बता रखी है। तो इनका एक कॉम्बो बना के आप कॉपी में रजिस्टर में लिख लेना, उसके बाद इनको कंबाइनली पढ़ लेना, तो आपको ज़्यादा ईजिली समझ आता रहेगा। अब इसके अंदर जैसे सेक्शन नंबर 3 आपका दे रखा है, इसको एक बार निकाल लीजिए। बेयर एक्ट जरूर लेके बैठना, एक है ना एक्टिव मोड में रहा करो जब भी पढ़ाई करते हो, जैसे मतलब अपना बेयर एक्ट साथ में लेके बैठे हो, हाईलाइटर अपने पास होना चाहिए, किट जिसको बोलते हो किट अपने पास लेके बैठा करो, जैसे ईयरफोन है वो भी आपके साथ होने चाहिए, पेन अपना कि अलग अलग कलर के पेन आप यूज़ करा करो, जैसे बेयर के अंदर कोई केस होगा या फिर स्पेशल कुछ चीज़ आए जिसको हाईलाइट कर लिया आपने, तो ये आपके बेनिफिशियल की चीज़ रहेगी। अब कुछ बच्चे पेंसिल से लिख लेते हैं, पेंसिल वाले के लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अभी तो लगता है कि आपने पेंसिल से लिख लिया, लेकिन अगर 2 या 3 साल के बाद संभालते हैं उनको तो हो सकता है कि वो कुछ रब होने स्टार्ट कर देते हैं, तो वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बेयर के अंदर रखी लिखी जाती हैं। अब उन्हीं को पेंसिल से लिखोगे 2-3 साल के अंदर, या तो इनके प्रोविजन को भूल जाओगे और वो रब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, यहाँ पे पेन का सहारा आपको लेना चाहिए और हाईलाइट है जो करता रहना चाहिए। अब सेक्शन 3 है वो सेम आपका देखा जा सकता है, सेक्शन 375 वो तो आईपीसी के अंदर जो आपके मेन ऊपर के 4 पॉइंट बता रखे हैं, जैसे कि कुछ भी एक्ट करता हो एक मैन किसी बच्चे के साथ, जहाँ पे आपका इस एक्ट के अंदर आता है कि कोई एक आदमी किसी बच्चे के साथ इस तरीके का कोई भी हरकत करे, जो 73-75 आईपीसी के मेन फर्स्ट पॉइंट के अंदर जो 4 क्लॉजेस दे रखे हैं उनमें से कोई भी एक्ट करता है, मतलब कि कोई भी प्राइवेट पार्ट्स का हो गया या फिर आपके अदर आर्टिकल्स हैं या फिर एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी है उनको इंसर्ट करता हो अदर जो आपका चाइल्ड है उसके प्राइवेट पार्ट के हिसाब से, तो इनके हिसाब से उनमें इंसर्ट करना, इस तरीके का ऑफेंस यहाँ पे 375 आईपीसी के अंदर दे रखा है। तो जब ये वाले सारे काम आपके एक बच्चे के साथ करेगा तो वो आपका सेक्शन 3 का ऑफेंस माना जाएगा, जिसके अंदर बोलता है पेनेट्रेटिव सेक्शुअल असोल्ट की बात करता है। अब इसके अंदर आपकी उसकी फिर पनिशमेंट दे रखी है, सिंपल सा है, पनिशमेंट के रिगार्डिंग आप 7 ईयर पुराने बेयर एक्ट के अंदर दे रखा है, लेकिन 2019 के अंदर उसको 10 ईयर कर दिया गया, तो आप उसको एक बार देख लेना। सेक्शन 4 बोलते हैं पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस कमिटेड अंडर सेक्शन 3 के अंदर जो भी ऑफेंस कमिट हुआ, जो 375 के फर्स्ट क्लोज के अंदर जो आपके पहले 4 क्लोज हैं उनमें फॉल करता है, तो उनके लिए अगर वो ऑफेंस किसी बच्चे के खिलाफ कमिट करा जाता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी नॉट लेस देन 10 ईयर, और जिसको बढ़ाया जा सकता है ऊपर अपने लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, और उसके ऊपर साइन फाइन भी लगेगा, ये यहाँ पे एंड वर्ड यूज़ करके दे रखा है। विद बोथ होता है हमेशा, जहाँ पे और वाला ऑप्शन दिया होता है, जहाँ पे बताते हैं कि ये या फिर बोथ, जहाँ पे एंड वर्ड हो वहाँ पे बोथ देने की जरूरत नहीं होती, ऑब्वियसली आपका इम्प्लाइड है इस एंड वर्ड के अंदर कि ये दोनों ही उसके ऊपर इम्पोज करी जाएंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो इसके अंदर आ जाता है, जैसे उसका फ़ाइन होगा, अब वो फ़ाइन कैसे देंगे, अब फाइन उस बच्चे को दिया जाएगा ताकि वो अपनी मेडिकल एक्सपेंसेस के ऊपर वो अपना खर्च कर सके, तो इस तरीके से उसको ये फ़ाइन सारे के सारे बच्चे को दिए जाएंगे। उसके बाद जैसे 2019 के अंदर एक और अमेंडमेंट यहाँ पे साथ में बता रखी है, जैसे कि अगर बच्चा अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स है तो मिनिमम 20 ईयर्स की और मैक्सिमम उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा भी दी जा सकती है, अगर वो बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स है तो, और अबो 16 प्लस और बिलो 18 है तो उसको 10 से लेके LI तक दी जाएगी, अदरवाइज अगर 16 से कम है तो उसको 20 साल की मिनिमम और 20 उसके बाद आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक उसको बढ़ाया जा सकता है। उसका नेक्स्ट कॉम्बो अपना आता है सेक्शन 5 का, जिसको पढ़ा जाएगा सेक्शन 9 के साथ। अब सेक्शन 5 जो है वो आपका बात करता है, जैसे 376 आईपीसी है जिसके अंदर स्पेशल पर्सन्स की लिस्ट दे रखी है कि कौन से स्पेशल पर्सन होंगे, जो पर्टिकुलर पर्सन है वो किसी ऑफेंस को कमिट करते हैं, जैसे सेक्शुअल ऑफेंस को कोई भी हॉस्पिटल का स्टाफ होगा, जैसे आर्मी के मेंबर हैं, कस्टोडियल रेप होता है जैसे अपने ऑफिशियली मतलब कि जेल के अंदर जेल वार्डन जो होता है वो, या फिर पुलिस ऑफिसर ने उस कैदी के साथ इस तरीके का कोई ऑफेंस कर रखा हो, तो वो सारे ऑफेंस की बात करते हैं कि वो एक स्पेशल कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, तो उनका ऑफेंस किया जाना यहाँ पे सेक्शन 5 और सेक्शन 9 के अंदर फॉल करता है। सेम एक तरीके के सेक्शन है, बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी नहीं है, लेकिन पर्सन्स की लिस्ट ऑलमोस्ट आपकी सेम रहती है। जैसे यहाँ पे बात करोगे एनी पर्सन इसके अंदर दे रखा है, लिस्ट ऑफ पर्सन सेक्शन 5 के अंदर दे रखी है, तो स्पेशल पर्सन आपके होंगे जैसे 376 की क्लोज 2 में दे रखे हैं। सेम यहाँ पे आपका बात करता है एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्शुअल असोल्ट की बात कर रहे हैं। सेक्शन 3 क्या था,
सिंपल आपका पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट था, उसके बाद जब कोई स्पेशल टाइप का जो पर्सन है, स्पेशल पर्सन जब उसी ऑफेंस को कमिट कर देता है तो वो एग्रावेटेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे देखिए पुलिस की ड्यूटी रहती है बच्चों को और अदर जो आपकी पब्लिक है उनको ऑफेंस कमिट होने से बचाने की, लेकिन वही जब उस तरीके के ऑफेंस कमिट करने लग गए, जैसे हॉस्टल में बच्चे रहते हैं तो हॉस्टल वार्डन ने आपका ऑफेंस कमिट कर दिया, हॉस्पिटल में अगर है तो हॉस्पिटल के स्टाफ में, हॉस्पिटल के अंदर आपका कोई ऑफेंस कर दिया, स्कूल्स हैं या फिर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो भी टीचर्स होते हैं उन्होंने उस एक प्रीमाइसिस के विद इन वहाँ पे ऑफेंस कमिट कर दिया, तो जिनकी ऑब्वियस ड्यूटी बनती है वही इस तरीके का कोई ऑफेंस कमिट करेंगे तो वो एग्रेवेटेड फॉर्म में तो आएंगे अपने आप ही, तो इस तरीके से आपका सेक्शन 509 आपका एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। अब बात करता है ये सेक्शन 3 का जो ऑफेंस है उसको इन स्पेशल टाइप ऑफ पर्सन ने कमिट कर रखा है, बोलता है हूएवर बींग ए पुलिस ऑफिसर कमिट पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट ऑन ए चाइल्ड। अब 376 के क्लोज 2 के ए के अंदर आपका पुलिस ऑफिसर की रिगार्डिंग बता रखा है, बोलता है विद इन द लिमिट ऑफ पुलिस स्टेशन और प्रीमाइसेस एट विच ही इज अपॉइंटेड, जिस जगह पे उसको अपॉइंट किया गया उस जगह पे। दूसरा बोलता है कि किसी पुलिस स्टेशन के अंदर ही, या फिर मतलब कि पुलिस स्टेशन हो सकता है ना कि पुलिस स्टेशन के अलावा कहीं और उसको अपॉइंट कर रखा हो, जैसे चौकी में लगा रखा है, चौकी इंचार्ज बना दिया तो चौकी के विद इन उसका एक्ट किया जाना, या फिर उस पुलिस स्टेशन के प्रेमाइसिस के विद इन वहाँ पे कोई एक्ट करना, या फिर आपका हो सकता है कि चाहे बेशक वो आपका पुलिस स्टेशन के अंदर हो या फिर पुलिस स्टेशन के बाहर हो, ऑन ड्यूटी जब होता है वो लास्ट वाला बोलते हैं इन कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी और अदरवाइज, तो ऑन ड्यूटी आपका हो सकता है कि पुलिस स्टेशन के आपके जो प्रेमाइसिस है या फिर जिस जगह उसको स्पेशल जगह पे अपॉइंट किया गया उस जगह से बाहर उसने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया तो वो आपका पुलिस ऑफिसर वाला ऑफेंस माना जाएगा। दूसरा आपका बोलता है वेयर ही इज नोन एज और आइडेंटिफाइड एज द पुलिस ऑफिसर, उसको या तो आइडेंटिफाई किया गया या फिर पता चलता है कि वो पुलिस ऑफिसर था तो माना जाएगा कि उस पुलिस ऑफिसर ने अगर वो एक्ट किया तो वो एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट उसने कमिट कर दिया। बी क्लोज बोलता है कि जो मेंबर है आर्म फोर्स का, जो कि 376 के क्लोज 2 के सी के अंदर आईपीसी में दे रखे हैं, वो पर्सन ने अगर जिस एरिया के अंदर उसको अपॉइंट किया गया था उस जगह पे या फिर किसी एरिया के अंदर कमांड दी गई थी कि ये एरिया आपको आज से पर्टिकुलरली संभालना है उस एरिया के ऊपर, या फिर वो पर्सन आपका जैसे पता चलता हो कि ये आपका आर्म फोर्स का पर्सन है उसने अगर ऑफेंस कमिट कर दिया हो। सी क्लोज आपका बोलता है पब्लिक सर्वेंट के रिगार्डिंग बात करता है, जो कि सेक्शन 21 आईपीसी में दे रखा है, उसने अगर कोई ऑफेंस कमिट कर रखा हो जो सेक्शन 3 के अंदर फॉल करता हो। डी बोलता है कि जो कि ऐसा पर्सन है जो जेल का या फिर आपके रिमांड होम का, प्रोटेक्शन होम का, ऑब्जर्वेशन होम का, या फिर बच्चे की केयर और कस्टडी के रिगार्डिंग जो भी आपका प्लेस फिक्स कर रखा है उसका जो इंचार्ज होगा या फिर जो उसका मैनेजर होगा उसने कोई भी ऑफेंस कमिट कर दिया तो वो चीज़ आपकी इसके अंदर आ जाएगी सेक्शन 3 के अंदर, और उसको बोला जाएगा कि वो ऑफेंस उसने एग्रावेटेडली वो ऑफेंस कमिट कर रखा है। फिर आपका बोलता है हॉस्पिटल का कोई भी स्टाफ हो सकता है, जो कि सेक्शन 376 के 2 के ई के अंदर बता रखा है। नेक्स्ट आपका बोलता है एजुकेशन जो भी इंस्टीट्यूशन है या फिर आपके जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनका कोई भी मेंबर है उसने भी कोई ऑफेंस कमिट कर दिया तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपके बहुत बड़ी लिस्ट है, इसके अंदर आपके यू तक टोटल पॉइंट दे रखे हैं, एक जैसे कि पेनिट्रेटिवली ऑफेंस किया बच्चे के ऊपर लेकिन वो गैंग के साथ कर दिया, तो जो गैंग ऑफेंस हुआ था 376 डी के अंदर वही वाला यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपका बात करता है कि कोई डेडली वेपन या फिर फायर हीटेड सब्सटेंस कोई है या फिर कोरोसिव कोई सब्सटेंस है उनका यहाँ पे कुछ यूज़ किया गया वहाँ पे ये ऑफेंस कमिट करने के बाद, या फिर उसने ये ऑफेंस कमिट किया साथ में उसने उसके ऊपर कोई ग्रीवियस नेचर की इंजरी या फिर बॉडली हार्म उसको कुछ पहुंचा दिया, या फिर कोई सेक्सुअल जो बच्चे का ऑर्गन है उसको भी वहाँ पे कुछ ना कुछ डैमेज कॉज किया गया है तो वो यहाँ पे माना जाएगा। फिर उसके बाद बोलता है कि जो हेल्थ मेडिकल हेल्थ एक्ट का जो सेक्शन 2 है उसके ए के हिसाब से अगर बच्चे को कोई फिजिकली इनकैपेसिटी कॉज करी गई है वो एक्ट करने के साथ साथ, या फिर यहाँ पे उस बच्चे को प्रेग्नेंट कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पे स्पेशली अगर देखा जाए तो लड़की के लिए बोला जाएगा कि उस माइनर गर्ल को प्रेग्नेंट कमिट कर दिया कोज कर दिया, या फिर जो भी आपके एचआईवी जैसे कोई भी ऑफेंस है मतलब कि एक तरीके से कोई डिजीज़ है एचआईवी तो वो उसको कमिट कर दी है खुद को, मतलब कि ऐसी कुछ एचआईवी थी और वो उसने बच्चे को भी लगा दी तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगर उसको थ्रेटनिंग वगैरह कुछ किया जाता है कि मैं आपको ऐसी डिजीज़ कर दूंगा उसके रिगार्डिंग आपके सारे आ जाते हैं, मेंटली मतलब एक तरीके से फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद के पॉइंट के अंदर आ जाता है कि कोई मेंटल या फिर फिजिकली डिसेबिलिटी यहाँ पे उसको कमिट कर दी जाए, या फिर देखा जाए तो उस बच्चे की मेंटल और आपकी फिजिकली डिसेबल था और उसका एक तरीके से अनफेयर एडवांटेज वहाँ पे उठाया गया। उसके बाद बोलता है कि सेक्सुअल असोल्ट किया गया है मोर देन वंस, मतलब कि रिपीटेडली अगर उसके ऊपर ऑफेंस कमिट किया जाए, या फिर ऐसा ऑफेंस उस बच्चे के साथ किया गया जिसकी एज बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज है,
या फिर उसके ब्लड रिलेशन में, एडॉप्शन में, या फिर मैरिज, या फिर गार्जियनशिप के अंदर कोई भी पर्सन आता हो, गार्जियन ने ऐसा ऑफेंस कमिट कर दिया हो, उसके बाद बोलता है कि ओनरशिप के अंदर है कोई भी, या फिर मैनेजमेंट में आता हो, स्टाफ हो किसी भी इंस्टीट्यूशन का, जो कि बच्चे को प्रोवाइड किया गया हो सर्विसेज, बच्चे को सर्विस प्रोवाइड करने वाले जो भी स्टाफ होगा उनमें से किसी मेंबर ने कर रखा है, या फिर ट्रस्ट और अथॉरिटी है बच्चे की, उसके अंदर ट्रस्ट के अंदर जो भी पर्सन होगा ट्रस्टी, उसने कोई ऑफेंस कमिट करा है, या फिर इस तरीके से उस बच्चे के ऊपर ऑफेंस कमिट किया गया जो कि पता हो कि वो बच्चा अपने आप में क्या है कि एक प्रेग्नेंट बच्चा है, मतलब कि हो सकती है कि वो लड़की आपकी प्रेग्नेंट थी, उसी के ऊपर दोबारा से ऑफेंस यहाँ पे कमिट किया गया है, तो इस तरीके से आ सकता है। या फिर आपका हो सकता है कि किसी को अटेम्प्ट किया गया हो, बच्चे को मारने की ट्राई करी गई है ऑफेंस कमिट करने के बाद, या फिर आपका पेनेट्रेटिव सेक्शुअल असोल्ट किया गया किसी बच्चे के ऊपर जो कि कम्युनल और सेक्टरीन जो आपके वॉयलेंस हैं उनके अंदर फॉल करते हों, तो इस तरीके से आपके सारे के सारे ऑफेंस कमिट हो जाएंगे। उसके बाद आपके लास्ट के टी और यू आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि एक बार इनको पढ़ लेना। तो ये आपके यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ पर्सन की बात करता है सेक्शन 5 के अंदर, और 9 को भी एक बार बता देता हूँ कि सेक्शुअल असोल्ट के बारे में बात करते हैं। जो सेक्शन 5 था वो आपका एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्शुअल असोल्ट था, और जो सेक्शन 9 है वो आपका एग्रेवेटेड सेक्शुअल आपके जो असोल्ट है उसके रिगार्डिंग बात करता है। बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम दे रखी है, या फिर यहाँ पे एक स्पेशल जो आपका दे रखा है सेक्शन 9 के हिसाब से, उसके अंदर आपका बच्चे को डिसरोब करना, कि मतलब कि जैसे बोलते हैं ना कि उसको डिसरोब क्या बोले जाएंगे कि नेक्ट उसको करके और उसको पब्लिकली रिप्रेजेंट करना अपने आप में एक सेक्शुअल असोल्ट के अंदर आ जाएगा, सेक्शन 9 के अंदर फॉल कर जाएगा। तो बाकी ऑलमोस्ट आपके सारे सेम हैं, इसके अंदर आपके एग्रेवेटेड फॉर्म में ऑफेंस कमिट होगा। और जो आपका सेक्शन 6 है वो उस पेनेट्रेटिव सेक्शुअल असोल्ट के लिए यहाँ पे क्या करेगा, एग्रेवेटेड फॉर्म वाले को जो सेक्शन 5 के अंदर कमिट करा गया उसकी पनिशमेंट के रिगार्डिंग बात करता है, जो कि बोलता है नॉट लेस देन 10 ईयर्स, उसको 10 साल से कम नहीं होगा, जिसको बढ़ाया जा सकता है लाइफ इंप्रिजनमेंट तक, और वो यहाँ पे फाइन के लिए भी लाइबल रहेगा, और फाइन बच्चे को उसके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए रिगार्डिंग भी उसको दिए जा सकते हैं। तो ये आपके रिगार्डिंग था। उसके बाद सेक्शन 7 आ जाता है आपका सेक्शुअल असोल्ट के रिगार्डिंग बात करता है। सेक्शुअल असोल्ट क्या होगा, बोलता है कि हूएवर विद सेक्शुअल इंटेंट टच द प्राइवेट पार्ट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के प्राइवेट पार्ट को यहाँ पे सेक्सुअली इंटेंशन के साथ उनको टच किया जाना अपने आप में सेक्सुअल असोल्ट हो जाएगा। और डज एनी एक्ट दैट द एक्ट विद सेक्सुअल इंटेंट विच इन्वॉल्व द फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट पेनिट्रेशन इज सेड टू द कमिट सेक्सुअल असोल्ट। अगर जहाँ पे विदाउट पेनिट्रेशन की बात आएगी, कोई भी ऐसा प्राइवेट पार्ट ऑफ द बच्चे को टच किया जाएगा सेक्शुअल इंटेंशन के साथ, तो वो सेक्शन 7 के अंदर आपका सेक्शुअल असोल्ट के अंदर आ जाएगा, जिसकी पनिशमेंट आपकी नॉट लेस देन 3 ईयर होगी, जिसको बढ़ाया जा सकता है 5 ईयर्स तक, और फाइन भी वहाँ पे इम्पोज करा जाएगा। सेक्शन 9 हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपका जो सेक्शन 10 है वो आपका बात करता है कि सेक्शन 9 के अंदर जो ऑफेंस कमिट हुआ है आपका एग्रेवेटेड सेक्शुअल असोल्ट को, तो उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, उसको भी पनिशमेंट यहाँ पे नॉट लेस देन 5 ईयर, जिसको 7 ईयर बढ़ाया गया। जैसे कि पिछले वाले के अंदर था कि 3 मिनिमम 5 मैक्सिमम रहेगी, इसके अंदर मिनिमम 5 रहती है, उसके बाद आपकी मैक्सिमम उसको 7 ईयर की और विद फाइन उसके ऊपर लगाया जाता है। ये आपके सेक्शन 10 तक थे। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको सेक्शन 11 और 12, ये दो सेक्शन, उसके बाद आपका 13, 14 और 15 का ये यहाँ पे कंप्लीट पूरा चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। वैसे पढ़ना चाहो तो जैसे सेक्शन 11 है उसके अंदर नॉर्मल दे रखा है सेक्शुअल हैरेसमेंट के रिगार्डिंग बात करता है, जो कि 354A के अंदर बता रहे हैं। तो अगली वीडियो के अंदर इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे सेक्शन 11 और 12 को, और उसके बाद अगला चैप्टर जैसे 15 तक, और उसके बाद आपका सेक्शन 18 तक एक चैप्टर दे रखा है। तो ये सारे के सारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस तरीके से वीडियो को शेयर करते रहते हो, या फिर वीडियो को अच्छे से मतलब कि एक ऑब्जर्व करके पढ़ोगे, तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल रहता है और मेरे लिए भी बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि कमेंट करते हो तो मेरे को एक एनकरेजमेंट मिलता है कि हाँ सही डायरेक्शन में मैं अपनी बात को आप तक कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए, ताकि मैं और वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन।